अफगानिस्तान पर तालिबान तेजी से काबिज होता जा रहा है। अब तालिबानी लड़ाके राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान ने 6 दिनों में 8वीं प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने पुल ए खुमरी और फैजाबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया है। वहीं अफगान सेना की मदद के लिए भेजे गए भारतीय MI-24 हेलीकॉप्टर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अमेरिकी सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि तालिबान 90 दिन के भीतर काबुल पर कब्जा कर सकता है। खुफिया विभाग का कहना है कि जून के बाद से अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान के समर्थन में हालात बदले हैं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी में बदलाव की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब अफगान के लोगों को ही एकजुट होकर अपने मुल्क के भविष्य के लिए लड़ना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने 6 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करने के बाद पिछले 24 घंटों में बगलान प्रांत की राजधानी पुल ए खुमरी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने बदख्शान की राजधानी फैजाबाद को भी हासिल कर लिया। बदख्शान प्रांत की सीमा ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चीन से लगी हुई है। ये अफगान सरकार के लिए बड़ा धक्का है। उसकी चिंता पुल ए खुमरी पर कब्जे के बाद बढ़ गई है। तालिबान अमेरिका के समर्थन वाले देश में पूरी तरह इस्लामिक कानूनों को लागू करना चाहता है। यूरोपीय यूनियन के अधिकारी के अनुसार अभी 11 प्रांतीय राजधानियों पर भीषण संघर्ष चल रहा है। तालिबान ने काबुल के उत्तर के उन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है जहां से काबुल के लिए बिजली की सप्लाई की जा रही है। कंधार में भीषण संघर्ष चल रहा है। यहां हवाई हमले में अफगान सेना ने 10 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसके अलावा अफगान सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटे में 439 तालिबान आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। यही नहीं, भीषण लड़ाई में 77 अन्य घायल हुए हैं। कंधार में भीषण हिंसा के चलते यहां से 30,000 परिवारों का पलायन हो गया है। बल्ख प्रांत के मजार ए शरीफ को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद इस शहर की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी यहां पहुंचे। दूसरी ओर रूस की मीडिया ने दावा किया है कि तालिबान ने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगी सीमा के क्षेत्रों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। खबर आई है कि तालिबान ने कंधार जेल को तोड़ दिया है। कई राजनीतिक कैदियों को छुड़ा लिया गया है। इस बीच अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात के बीच भारत ने मजार ए शरीफ से अपने 50 नागरिक सुरक्षित निकाल लिए हैं। भारत ने इसके लिए खास विमान मजार ए शरीफ भेजा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते प्रभाव को लेकर विश्व समुदाय की चिंताएं बढ़ गई हैं। अफगान समस्या को लेकर आज दोहा में अमेरिका, रूस, चीन एक साथ होंगे। वहीं भारत ने इस बैठक के लिए खास रणनीति तैयार की है। भारतीय पक्ष का मानना है कि हालात खराब हो चुके हैं। दोहा या किसी और बैठक का कोई मतलब नहीं रह गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का मानना है कि अब तालिबान के आक्रमण को रोकने के लिए निर्णायक फैसला लेना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान भारत अफगानिस्तान के लोगों के नेतृत्व में ही समाधान निकालने का मुद्दा उठाएगा। इसके अलावा वहां लोकतांत्रिक परंपराओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी की बात करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।